आगे बढ़ते हैं रायपुर से। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अहम बैठक। सीएम भूपेश बघेल की पुलिस अफसरों को दो टूक, नशे के कारोबार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश सीएम ने सूचना तंत्र मजबूत करने की हिदायत दी। हत्या के प्रकरणों में 2011 की तुलना में 32% कमी, हत्या के प्रयास में 2011 की तुलना में 37% कमी। तो तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। रायपुर से सबसे बड़ी खबर, सीएम ने सूचना तंत्र मजबूत करने की भी हिदायत दी। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अंकुश जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या ये बैठक खत्म हो चुकी है? नहीं, अभी देखिए बैठक जो है वो काफी देर से चल रही है और बैठक अभी और चलने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। और बैठक में जो है छत्तीसगढ़ के जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर लगातार यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं और सभी एसपी से वन टू वन चर्चा यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अब जो नया अपडेट है उसमें प्रदेश में अब तक चिटफंड कंपनियों के 774 डायरेक्टर और पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा चिटफंड कंपनी के जो बचे हुए फरार डायरेक्टर और पदाधिकारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी के आदेश जो है मुख्यमंत्री ने सभी एसपी को दिए हैं। सभी एसपी से कहा गया है कि इसके लिए एक समय सीमा तय करके पूरी कार्रवाई करके इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। कलेक्टर और एसपी आपसी समन्वय बनाकर चिटफंड कंपनियों और अन्य संपत्तियों को चिन्हांकित करके इसे कुर्क करें और इसमें कार्रवाई में बिल्कुल भी देरी ना की जाए। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज की बैठक में सुबह से ही सख्त लहजे में नजर आ रहे हैं और उसकी सख्ती जो है हर एक विषय पर हर एक एसपी के सामने देखने को मिल रही है। जी अंकुश, अगर हम तस्करी रोकने को लेकर बात करते हैं तो किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ नीतियां तैयार होती हुई दिख रही हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण नीति तो यही है कि छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे वो राजस्थान बॉर्डर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश बॉर्डर हो, चाहे वो उड़ीसा बॉर्डर हो, सभी जगह पर चेक पोस्ट और जो पहरा है उसको बढ़ाए जाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण आदेश जो है मुख्यमंत्री ने सभी एसपी को दिया है कि जो अन्य राज्यों के जो एसपी हैं, अन्य राज्यों के जो पुलिस अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करके समन्वय बना के दोनों ही तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जाए ताकि जो गांजा तस्करी है या अन्य मादक पदार्थों की जो तस्करी है उस पर लगाम लगाई जा सके। जो गांजा है, मादक पदार्थ है, जो हुक्का बार है, इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह से ही नाराज और सख्त लहजे में नजर आ रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरीके का कारोबार छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की कारोबार पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश मुख्यमंत्री ने सभी एसपी को दिए हैं। शहरी इलाकों में जिन क्षेत्रों में अवैध जो कारोबार है नशीले पदार्थों का, वो जो पनप रहा है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके और इस पर पूरी तरीके से रोक लगाए जाने के निर्देश जो है वो भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी किए हैं। जी धन्यवाद अंकुश इस पूरी